हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी एक बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में। बायो इंसेक्टिसाइड वो होते हैं, जैसे आपको मैंने बायो फंजीसाइड बताया था, ट्राइकोडर्मा विल्डी, वो एक फंगस है जो दूसरे फंगस और को मारता है। और अब आज बात करेंगे बायो इंसेक्टिसाइड्स की, वो भी एक तरह का फंगस है और जो कि दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह, जो सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स पे लगते हैं, एफिड, स्केल्स, वाइट फ्लाइज, और मैं अभी औरों के भी नाम, एक्चुअली उसकी जो पैकेट है उसके ऊपर भी लिखे हुए हैं बहुत सारे नाम, स्पाइडर माइट्स, और इवन हमारी जो मिट्टी में ये दीमक हो जाती है, दीमक को भी। तो ये आर्थ्रोपोड्स वो होते हैं जिनके ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स कह लो, जिनके बॉडी सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। तो ये उनकी बॉडी में एंटर करके फंगस जो है वो उनको मार देता है। अभी बात करते हैं हम तो, और हमारे केमिकल नहीं है इसलिए एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं देता। ये देखिए, ये आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये वाला मेरा एक पाम है, ये देखिए इसके ये बाहर के वर्ल हैं और ये अंदर से चार पांच, ये देखिए पत्तियाँ ऐसे आ रही हैं, वर्ल वर्ल में निकलते हैं, एक पूरी रिंग में नए पत्ते निकलते हैं पाम्स में, साल में एक बार या किसी में साल में दो बार। ये देखिए इनकी ग्रोथ बस इसी से होती है कि साल में एक या दो बार, किसी पाम में एक बार, किसी में दो बार, मोस्टली एक बार होता है, सारे पाम्स में निकलते हैं सिर्फ गोल वालों में। तो इसमें ये देखिए निकले, मैं इसको जो है वो फॉरेस्ट पाम के नाम से ही लाई हूँ, खरीद के, और उसी नाम से जानती हूँ, सबको बताती हूँ। लेकिन आप में से किसी को अगर इसका एक्चुअल नेम पता हो तो मुझे बताइएगा। मुझे पता है फॉरेस्ट पाम इसका एक्चुअल नेम है नहीं, अगर आपको पता हो किसी को तो मुझे इसका नाम प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, दिखाती हूँ आपको मैं। तो ये है ब्यूवेरिया बासियाना। ब्यूवेरिया बासियाना ये एक फंगस है, ये जो इसके अंदर वाइट कलर का पाउडर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा शेड में जाके, अभी मैं, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है इसलिए मैं अभी आपको दो मिनट में निकाल के दिखाती हूँ। सफ़ेद पाउडर है, सिंपल जैसे कोई पाउडर होता है। ये छोटे छोटे इस फंगस के स्पोर्स हैं। तो ये फंगस क्या करता है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, आपके पेट्स के लिए, सबके लिए ये बिल्कुल सेफ़ है। और ये क्या करता है कि जब इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट होता है, और मैं आपको दिखाती भी हूँ, इस पे इंसेक्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, ये किन पे काम करता है। ये माइट्स पे, ड्रोसोफिला मक्खी आती है, ग्रास होपर पे भी काम करता है, दीमक पे बहुत अच्छा काम करता है, स्केल्स पे, एफिड्स पे, जो भी सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं जो पौधों में लग जाते हैं और उनका जूस चूसते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हिबिस्कस के फूल गिरने लग जाते हैं, उस पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है, थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है। ये क्या करता है फंगस, इस वाले फंगस को अगर हम खाद के साथ मिलाकर इसको डाल दें, अगर खाद के साथ अच्छी तरह मिक्स करके और थोड़ा सा उसको मॉइस्ट करके और रख दें एक दो दिन के लिए, तीन चार पाँच दिन के लिए रख दो आप खाद में मिला के, फिर उस खाद को पौधों में दे दो, एक तो इसका ये प्रोसीजर होता है देने का। मतलब अगर आप 10 किलो खाद है हमारे पास तो 10 किलो खाद में 100 ग्राम इसका ब्यूवेरिया बासियाना का मिला दें और थोड़ा सा उसको मॉइस्ट छींटे दे दें पानी के, और किसी कट्टे से, बोरी से, सॉरी शायद मैंने 10 ग्राम बोल दिया, 10 किलो खाद है हमारे पास, 10 किलो खाद में 100 ग्राम ब्यूवेरिया बासियाना डलेगा और उसको थोड़ा सा हाथ से गीला, अच्छी तरह मिक्स करके हाथ से गीला करके और कट्टे से ढक के रख दें आप तीन चार पाँच दिन के लिए, और फिर उसके बाद उसको आप अपने गमलों में डाल दें या क्यारियों में डाल दें
ये आपके वेजिटेबल गार्डन के लिए भी बिल्कुल सेफ है। किसान इसको बहुत यूज़ करते हैं अपने खेतों में, जिनको केमिकल्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने होता, ऑर्गेनिक खेती करनी होती है। और अगर हम इसे लिक्विड स्प्रे भी करना इसका ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स एफिड्स वगैरह आपके पौधे पे लगे हुए हैं, अगर हम स्प्रे करेंगे तो ये उनके कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि उन इंसेक्ट्स के ऊपर का जो हार्ड कवरिंग होती है उनके ऊपर की, उसको ये गला देता है, और उनकी बॉडी में जो सेगमेंट्स के बीच में पोर्स होते हैं उसके थ्रू, इसके क्या है, जब इसके स्पोर्स स्पोर्स एक्चुअली मैं आम भाषा में बोलूँ तो बीज बीज जब किसी इंसेक्ट की बॉडी पे लगते हैं तो उसमें थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल मतलब वो वाला केमिकल नहीं कि हम जो इन दूसरे केमिकल समझे, बॉडी का केमिकल रिएक्शन होता है, और इसमें वो जगह जो है वो जो स्के वहाँ की जो स्किन है जिसको आउटर कवरिंग है वो थोड़ी सी गल जाती है, और इसमें से छोटे छोटे जब ये स्प्राउट करता है इसमें से छोटे छोटे फाइबर जैसे हाइफी निकलते हैं। उनको मैं आपको समझाने के लिए बताऊँ तो कॉटन, आप रुई देखते हो, आप रुई को जब आप फैलाते हो यूँ खूब जोर से खींचते हैं हम रुई को, तो उसके हमें छोटे छोटे पतले पतले से धागे जैसे दिखते हैं रुई के जो हैं, बस वो वैसे ही इसके हाइफी होते हैं, पतले पतले बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमें हाथ से अच्छी आँख से अच्छी तरह दिखेंगे भी नहीं, या जब वो बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो जाता है उनका तो हमें कॉटन जैसे दिखते हैं वो इंसेक्ट के ऊपर, तो वो उसके अंदर बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगता है वो। और जो इंसेक्ट होता है उसका जो बॉडी में खाना होता है उसको खाने लगता है वो, और उस इस प्रोसीजर में ये जो फंगस है एक टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन मतलब जहरीला, उनके लिए जो जहरीला पदार्थ, वैसे जहरीला पदार्थ नहीं, इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिन रिलीज करता है, तो उससे वो इंसेक्ट पैरालाइज हो जाता है, खाना नहीं खा पाता, और एक दो दिन में वो इंसेक्ट मर जाता है, चाहे वो एफिड हो, वाइट फ्लाई हो, थ्रिप्स हो, स्केल्स हो, जो भी हो। अभी मैंने आपको दिखाया इसके पीछे लिखे हुए थे सब, तो वो इंसेक्ट्स इसके इसका असर होने में 5-6 दिन तक लगते हैं, लेकिन ये केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है, और इंसेक्ट मर जाते हैं। फिर क्या होता है कि सारा इंसेक्ट जो है ना वो एक रुई के गोले जैसे वाइट वाइट सा बदल जाता है, इतना ये उसके ऊपर ग्रो कर जाता है जब वो इंसेक्ट मर भी जाता है, फिर उससे दूसरे इंसेक्ट्स के कांटेक्ट में ही आके फिर आपके पौधे पर कोई भी इंसेक्ट नहीं रहने देता ये जो फंगस है। तो इसको जब हम पानी में मिलाना हो, हमें स्प्रे करना हो, तो हमें 1 लीटर पानी में 10 ग्राम यानी कि चाय के 2 चम्मच, चाय वाले छोटे जो 2 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के और इसको स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे करना है। लेकिन ये पानी में बहुत अच्छी तरह डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको क्या करना है, जैसे कोई ऐसी ढक्कन वाली बॉटल ले लें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये इसका तो मुंह बहुत छोटा है, ऐसी मतलब कोई ऐसी बॉटल ले लें जो ऐसे अच्छी तरह लॉक होके बंद हो जाती हो, और इसमें पानी डाल लें, इसका मुंह तो छोटा है, बड़े मुंह वाली जैसे हमारी फ्रिज की बॉटल वगैरह होती हैं, फ्रिज की बॉटल होती है जिसका थोड़ा मुंह ऐसे चौड़ा होता है, तो ऐसी बॉटल ले लें, उसमें पानी डाल लें 1 लीटर और 2 चम्मच ये डाल दें ब्यूवेरिया बासियाना, ध्यान से डालें, ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा उड़े, नहीं, आराम से चम्मच पानी के अंदर डुबो के और उसमें ये अच्छी तरह छोड़ दें। और इसको ऐसे नहीं है कि बाल्टी 1 लीटर पानी लिया आपने किसी खुले बर्तन में 2 चम्मच ये डाले और डंडी से मिला दिया तो ये अच्छी तरह नहीं मिक्स होगा, इसको लेके जैसे फ्रिज बॉटल में मैंने बताया लेके डाल के और ऐसे अच्छी तरह ऐसे 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 आपको 1-2 मिनट तक शेक करना है, ऐसे लेके ऐसे 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 इसको अच्छी तरह से आपको शेक करना है, और उसके बाद इसको आपको स्प्रे बॉटल में डाल लेना है और उसी टाइम इसको आपको स्प्रे कर देना है, क्योंकि ये पानी में बहुत देर अच्छी तरह डिजॉल्व नहीं होता है, मतलब घुला नहीं रहेगा आपने इसको छोड़ दिया तो। और ऐसे भी नहीं करना है कि आपने आज बना लिया और 3-4 दिन तक आप यूज़ करते रहे, उसी टाइम बनाएं और उसी टाइम स्प्रे कर दें अगर स्प्रे करना है। स्प्रे में क्या है, जैसे आपके लगे हुए हैं एफिड्स वगैरह जो भी, उनके ऊपर डालें। और एक चीज़ कि ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो हैं वो पत्तियों के नीचे की साइड लगते हैं, तो जैसे ये पत्ती है इसके ऊपर तो स्प्रे हो जाएगा, पत्तियों के नीचे भी अच्छी तरह से स्प्रे करना है, नीचे ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी,
अच्छी तरह से स्प्रे करना है ताकि ये उस इंसेक्ट के कांटेक्ट में आ जाए। ये एक्चुअली प्रिवेंटिव मेजर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपके जो है वो प्लांट पे कोई लगा हुआ नहीं है इंसेक्ट, लेकिन फिर भी आप महीने में एक बार, 1.5 महीने में एक बार इसको पौधों पे छिड़क दें, तो उससे क्या होगा कि जैसे लीफ है, ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर ये लगा हुआ है ब्यूवेरिया बासियाना, आपने पानी में मिला के लगाया था, और जैसे ही इंसेक्ट आपके उसमें आएगा पौधे पे और उस पत्ती को खाएगा जिसमें ये लगा हुआ है, तो वो वहीं मर जाएगा 2-4 दिन में। तो और अच्छा, ये जो है जरूरी नहीं है इंसेक्ट पे ही काम करता है, ये इंसेक्ट के जो लार्वी होते हैं उन पे भी काम करता है, उस और प्यूपा स्टेज पे भी, हर स्टेज पे काम करता है ये फंगस, और ये आपको, आपके पौधे को बिल्कुल कोई इंसेक्ट नहीं लगने देता है। तो ये ब्यूवेरिया बासियाना आजकल ऑर्गेनिक खेती में बहुत यूज़ किया जाता है, और हम अपने घरों में भी, मैंने देखिए टाइकोडर्मा वर्डी तो यूज़ करना शुरू कर दिया है। मैं जो है वो फंजीसाइड नहीं जाता, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ जब मेरे पास टाइकोडर्मा नहीं हो। और अब मैं वैसे मैं इंसेक्टिसाइड मेरे प्लांट्स पे कम यूज़ होता ही नहीं है, क्योंकि शायद टेरेस गार्डन में इसलिए नहीं होता, और मैं थोड़ा डीकम्पोजर भी प्लांट में डालती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे प्लांट्स में इंसेक्ट्स लगते हैं लेकिन कम लगते हैं। और एक चीज़ की, अगर आप खाद में मिला के ब्यूवेरिया बासियाना नहीं देना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप चौथाई चौथाई चम्मच या थोड़ा थोड़ा आप उसको यूं भी, तो मिट्टी में आप डायरेक्ट, जैसे यहाँ मिट्टी में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट ही थोड़ा सा जो ऐसे छिड़क के डाल दें चारों तरफ, और मिट्टी को ऐसे हिला के, जैसे गुड़ाई करते हैं ऐसे हिला के सारे में उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, एक एक इंच गहरा तक गुड़ाई करके उसको मिक्स कर दें। इस तरह से भी हम दे सकते हैं, फिर उसके बाद आपको पानी देना। अच्छा, इसकी एक और चीज़ है कि इसको मॉइस्चर और वार्मथ चाहिए, इसलिए ये जो ब्यूवेरिया बासियाना का यूज़ करना जो है, एक तो ये मॉनसून में अच्छा रहता है क्योंकि मॉनसून में चारों तरफ मॉइस्चर रहता है, मॉनसून में, और सर्दी में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है गर्मियों के दिनों में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये यूवी रेज से ये मर जाते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर से ये मर जाते हैं, और गर्मियों में ड्राई भी होता है। इसको मॉइस्चर ज़रूर मिलना चाहिए तभी ये काम करता है। तो सर्दियों, गर्मियों में इसको नहीं यूज़ किया जाता, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है ये ब्यूवेरिया बासियाना मर जाता है, इसलिए इसको यूज़ सिर्फ हम सर्दियों में और बरसातों के दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि उन दिनों में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है और टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। और जब आप इसको यूज़ करें तो हाथ में ग्लव्स पहन लें, बहुत अच्छा रहेगा। और कभी भी कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी आप अपने गमलों में या कहीं स्प्रे करते हैं तो मास्क पहन लें, तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि ये उड़ के हम इसको इनहेल ना कर सकें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम एक्स्ट्रा इनहेल करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, वो हमें फालतू में इनहेल नहीं करना चाहिए। तो जब भी कुछ भी करें स्प्रे, इसको भी स्प्रे करें, तो स्प्रे बॉटल होती है ना, उसमें डाल के अच्छी तरह से स्प्रे कर देना चाहिए, जहाँ पे लगे हुए हैं इंसेक्ट वहाँ भी, और थोड़ा सा मिट्टी में भी डाल देना चाहिए जब इसको आप यूज़ करें। एज़ आ प्रिवेंटिव मेजर मैंने कहा, 1.5 महीने में एक बार इसको डाल दें तो आपके पौधों में इंसेक्ट्स लगेंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको, चलिए अब दिखा भी देती हूँ, ये बिल्कुल पाउडर है वाइट कलर का, ये देखिए, ये इस तरह का पाउडर है, ये देखिए, और ये देखिए, बस ये ऐसा है पाउडर जैसा, इस तरह का होता है ये स्पोर्स है, और इस पे एक्सपायरी डेट आप देख लें कि एक्सपायरी डेट के बाद मत यूज़ करें इसके पैकेट पे। और ये लिक्विड भी आता है, मेरे पास ये पाउडर है और ये लिक्विड भी आता है, तो आप ध्यान रखें, आप लिक्विड भी ख़रीद सकते हैं, वो और भी इजी रहेगा आपको यूज़ करने के लिए, स्प्रे करना है या आपको पानी में मिक्स करना है, तो वो और भी आसान रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।